गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 8:05 हो गए हैं और मैंने अपनी राइड स्टार्ट कर दी है। प्लान तो जल्दी था कि आज जल्दी निकलूँगा, लेकिन वही पता ही है आपको, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ हो नहीं पाता है। और निकल चुका हूँ इस पेट्रोल पंप से। कल मेरा थोड़ा सा मूड ऐसे ही था, वीडियो शूट करने की इच्छा नहीं थी, बट आज मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। और ये जो पेट्रोल पंप था ये सीकर के ही थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और अभी एक सर मिले हमें जो अहमदाबाद के थे, गिरीट केडिया जी, उनसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा, उनसे बातचीत हुई थोड़ी। और हमारी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है यहाँ से। आज अहमदाबाद के करीब पहुँच कर रुका जाएगा। यूट्यूब फेसबुक सब जगह आ जाएगा। मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया था, जामनगर के आसपास में ये झगड़ो बोलते थे झगड़ो, और ये लोग वहाँ से आ रहे हैं जामनगर से और माता जी के मंदिर जा रहे हैं, मतलब खतरनाक। ये इनका बहुत अच्छा लगा मुझे, इसीलिए मैंने यहीं पिया। हाँ, मिक्स किया हुआ ही मिलेगा इसमें, ना ही आइस डालते हैं और कुछ नहीं डालते। यही मुझे नेचुरल लगा ना, इसीलिए देखा नेचुरली है यार। हाँ, कुछ नहीं डालते ये लोग, जब भी यहाँ से हम अहमदाबाद जाते हैं बीच में ये रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसका नाम क्या है? नेचुरल प्रकृति, नेचुरल फार्म। नेचुरल फार्म तो क्या क्या होता है यहाँ पर? देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे ये सब होता है। अच्छा, ये सारी चीजें, जैसे कि सारी चीजें समझ लो, भिंडी हो गई, उसके बाद गुआर हो गया, गुआर, हाँ, ये जो गिया, गिया, हाँ। गिया, ये क्या बोलते हैं, तोरी, तोरी, ये ककड़ी, ककड़ी, हाँ, ये सारी चीजें होती हैं नेचुरल। इमली, 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 हाँ, इमली, इमली, ओके, इमली भी नेचुरल देते ये लोग। ओके नाइस, बहुत सुंदर लगा मुझे। हमारे भी खेत वगैरह, हम भी बोते हैं वैसे सारी चीजें। तो अभी इस फार्म पे रुका हुआ हूँ मैं, अभी उन्होंने मेरे को गन्ने का जूस पिलाया है। मिला यहाँ पर ये बच्ची है जिस पर मेरी साइकिल गिर गई थी। लगी तो नहीं ना? ओके, और बाकी अभी ये धोकर लेकर आई है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साबूदाना बनाने वाला वो भी है यहाँ पर। जय द्वारकाधीश। देखिए इन बकरियों के सींग आप देख रहे हो, मेरे लाइफ में पहली बार इतने हर एक बकरी के ऐसे घूमे हुए सींग देखे थे, जिन्हें हाथ से पकड़े घुमा दिए हूँ, ऐसे लग रहा है खतरनाक सिंह थे इन बकरियों। वेरी गुड आफ्टरनून, इस वक्त अपन लोग अहमदाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और अहमदाबाद की जो दूरी है वो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर रह गई है, और हम जितना हो सकेगा आज कवर करने की कोशिश करेंगे और अहमदाबाद कल मॉर्निंग में पहुँचेंगे। फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, खाना हमने खा लिया था, खाने से हम खुश नहीं हुए। तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए, अनहेल्दी मसालों से बचते हुए हमने वही खाया, क्योंकि एक दो दिन हम उनको अवॉइड करना चाहते हैं, थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी उसी मसालों की वजह से। बट हाँ, फिलहाल हमारे सामने HP का पेट्रोल पंप है जहाँ से हम अक्सर पानी लेते हैं। पीछे 2 पेट्रोल पंप और थे लगभग 3-4 किलोमीटर पहले, लेकिन दोनों बंद थे। एक नया बन रहा था, एक पुराना था जो बंद हो चुका था, इसलिए हमारी प्यास नहीं बुझी और हम पेट्रोल पंप की तलाश में पहुंच गए आगे थोड़ा। मेरे लिए काफ़ी दिनों बाद मेरे लिए कोई गाड़ी हाईवे पर रुकी, और अंकल जी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे, देखते क्या बात करते हैं, आप सुनना बस। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से? मैं राजस्थान से। राजस्थान से? हेलो मैम। सिंगापुर तक जाएंगे? हाँ, सिंगापुर तक जाऊँगा। कैसे जाएंगे? सर, मैंने द्वारकाधीश गुजरात से स्टार्ट किया था अपना, द्वारका जो है ना गुजरात, वहाँ से लास्ट, और मैंने अभी रिसेंटली कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट भी कवर करूँ। ओके, ओके। तो यहाँ से मैं अहमदाबाद जाऊँगा, अहमदाबाद के बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, अयोध्या होते हुए फिर मैं अपना UP, MP, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन असम, ऐसा लेके पूरा जाएंगे। हाँ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर्स, वहाँ से असम, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी होते हुए फिर नागालैंड, दीमापुर, उसके बाद डायरेक्ट मैं मणिपुर से मोरे बॉर्डर से एंटर हो जाऊँगा, और फिर बांग्लादेश में म्यांमार में एंटर होगा। मोरे तामू बॉर्डर पड़ता है वहाँ से, मणिपुर के वहाँ से, फिर म्यांमार के बाद येंगून से होते हुए मैं अपना बैंकॉक, थाईलैंड, फिर थाईलैंड से मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर। ऐसे ऊपर से होकर फिर नीचे जाएंगे? हाँ हाँ, ऊपर से होकर फिर सिंगापुर से वापस, फिर सिंगापुर से। हाँ, पूरा लैंड है वहाँ तक। यस यस यस, वहाँ तक। कितना किलोमीटर होता है ये? लगभग सर मैंने जो अपना जो बनाया है मैप, उसमें 8,000+ किलोमीटर्स में है। बहुत बढ़िया, इसका कोई मोटो लेकर चल रहे हैं आप? हाँ सर, मेरा एनवायरमेंट को लेके है, यूज साइकिल एंड सेव एनवायरमेंट, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। पहले मैंने पूरा राजस्थान कवर किया था पूरा। अच्छा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा बॉर्डर पे, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आप जाट? हाँ, जाट। तो फिर
हाइट बड़ी का तो सवाल ही नहीं है। धर्मेंद्र वाले, लेकिन धर्मेंद्र पंजाब के है ना? हाँ धर्मेंद्र जी पंजाब। हाँ वो तो पंजाब के। हाँ चलिए ठीक है, अपनी यात्रा संभाल के करिएगा। ओके मैम, जय माता, जय द्वारका, आपको शुभकामनाएं। ओके जय जय द्वारका। इस वक्त मैं बगोदरा में हूँ और मैंने अभी संतरे और कुछ सेव लिए हैं। ये भाई लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने मुझे संतरे और कुछ सेव दिए हैं। बहुत महंगे लगाए इन्होंने वैसे। बगोदरा गुजरात में। कौन सा स्टेट? मैं राजस्थान से हूँ अंकल। अरे तो आगे वाले कहीं हो रहे हैं। सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, इस वक्त मैं अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर पहले हूँ और कल मॉर्निंग में 10-11 बजे तक मैं अहमदाबाद पहुँच जाऊँगा। आज मेरी जो राइड रही वो लगभग 100+ किलोमीटर्स रही, यानी 106-107 किलोमीटर। ये अपना बेड है जहाँ पर हमें बिछा कर लेटना, वहाँ अपना सामान रखा है और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी एक गांव के पास में एक हनुमान मंदिर में रुका हुआ हूँ, जिसको रामदूत या दूत हनुमान जी बोलते हैं। तो चलिए जी मैं लेकर चलता हूँ, कहाँ खाना खाने वाला हूँ। सो अभी मैं खाना खाने आ गया हूँ, यहाँ पर एक हनुमान मंदिर में ठहरा हूँ। नमस्ते माता जी। और यहाँ पर अंकल जी हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना स्पेशल जगह दी रुकने के लिए, थैंक यू सो मच आपका। और यहाँ पर हमारे पंडित जी हैं और यहाँ पर बाबा लोग। हमारे खाने में आज देखिए आप इतना स्पेशल है जो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज एक आशियाना देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो गाइस गुड नाइट, आज का सब कुछ हो गया है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है बाबा जी उन सबसे बातें कर रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर से स्माइल आ गई है, मतलब मस्त फील कर रहे हैं।